नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। खबरों के दौर में बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। खबर बीकानेर से, जहाँ बीकानेर जिले के लूणकरणसर थाना क्षेत्र में 264 टाडी के पास नहर में गिरने से एक बच्चे और एक युवक की मौत हो गई है। श्री डूंगरगढ़ से रथ लेकर डूंगरगढ़ निवासी लखन शादी में पहुंचा था। इसके साथ 5 छोटे छोटे बच्चे थे, जिन्हें शादी में छतरी उठाने के लिए दिहाड़ी पर लेके आया था। 264 टाडी के पास रथ रोका तो बच्चों ने नहर देखने की इच्छा जताई और पांचों बच्चे नहर के किनारे पहुंच गए, जहां 10 वर्षीय तारा चंद्र नामक बच्चे ने साथी से नहाने का कहकर उसे धक्का दे दिया। साथी बच्चे ने गिरते समय तारा चंद्र को पकड़ लिया और दोनों नहर में गिर गए। वहीं बच्चों ने शोर मचाया तो रथ मालिक लखन भाग कर आया और नहर में छलांग लगा दी। एक बच्चे को किसी राहगीर ने सुरक्षित निकाल लिया। वहीं तारा चंद्र और लखन पानी में डूब गए। करीबन एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ग्रामीणों ने लखन और तारा चंद्र का शव नहर से निकाला। वहीं दोनों के शव CHC मोर्चरी में रखवाए गए हैं। बीकानेर से लोकेश कुमार बोहरा की रिपोर्ट। इस वक्त लूणकरणसर तहसील के अंदर एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी है। दो युवक नहर में डूबने से पीड़ित की मौत और दोनों ही डूंगरगढ़ के बताए जा रहे हैं और अभी उनका शव ग्रामीणों और पुलिसों के सहयोग से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में रखा गया है। न्यूज 21 से लोकेश कुमार बोहरा। ये डूंगरगढ़ से कोई शादी में आए हुए थे। यहाँ 264 आरडी के पास कोई डाणी में शादी थी और गर्मी का टाइम था। ये जो लड़के हैं वो रथ के पास लाइटें लेकर चलते हैं और गर्मी की वजह से इन्होंने नहर के अंदर नहाने के लिए उतरे थे, जिसमें से दो लड़कों की डूबने से मृत्यु हो गई है और एक लड़का उनमें से बच गया है। कोई है उनमें एक लखन है जिसकी उम्र 27 साल है और एक ताराचंद है जो 12 साल का बालक है। ये डूंगरगढ़ गई है और अब वहाँ से लाश को पानी से निकाल करके उनको मृतकों को निकाल करके और लाश को मॉर्चरी रूम लूणकरणसर में रखवाया गया है। मृतक के परिजनों का इंतजार किया जा रहा है।